दोस्तों, जो भी लोग YouTube पे वीडियोस बनाते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है आपको पता है? भाई साहब, टॉपिक नहीं मिलता। और अगर आप YouTube वीडियोस बनाते होंगे ना, तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम जरूर होती होगी। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए YouTube एक रिसर्च टैब लेके आने वाला था, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ टाइम पहले अपडेट दी थी। तो गाइस, फाइनली रिसर्च टैब आपके YouTube एनालिटिक्स में ऐड कर दिया गया है। हो सकता है आप में से काफी सारे लोगों ने इसको देखा भी हो। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि इसको यूज करके आप अपने वीडियोस के लिए कैसे टॉपिक ढूंढ सकते हैं, जिन पे वीडियोस बना के आप उसको वायरल कर सके। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आप डेस्कटॉप वर्जन में YouTube को ओपन करेंगे और अपने चैनल के एनालिटिक्स में जाएंगे, तो आपको यहाँ पे रिसर्च टैब मिल जाएगा। नाउ हम इस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए YouTube पे जो लोग सर्च करते हैं वो भी आपको देखेगा, और जो आपके व्यूअर्स YouTube पे सर्च करते हैं वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू मेक अ YouTube वीडियो, तो देखिए इतने सारे सर्चेज आपको मिलेंगे। हाउ टू मेक अ YouTube वीडियो, हाउ टू मेक अ वीडियो ऑन YouTube, हाउ टू मेक शॉर्ट वीडियो ऑन YouTube, और भी काफी सारे कीवर्ड्स आपको मिलेंगे। साथ में यहाँ पे देखेंगे तो आपको सर्च वॉल्यूम्स भी मिल जाएंगे। जैसे इसका बहुत हाई सर्च वॉल्यूम है, इसका मीडियम है, तो अगर आपका चैनल अभी छोटा है ना, तो आप मीडियम सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को ट्राई करिएगा, क्योंकि इनपे आपके वीडियो के सर्चेज में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इन कीवर्ड्स के 3 पेजेस आपको मिल जाएंगे, और इनमें से किसी भी कीवर्ड को आप यहाँ पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। ना दोस्तों, किसी किसी कीवर्ड के नीचे आपको यहाँ पे कंटेंट गैप लिखा हुआ मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि इस कीवर्ड पे या तो व्यूवर्स को एग्जैक्ट वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, या फिर जो वीडियोस हैं उनकी क्वालिटी बहुत खराब है और वो बहुत पुराने वीडियोस हैं। तो इस तरह के कीवर्ड्स को भी आप टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद गाइज, आपको यहाँ पे कुछ फिल्टर्स भी मिल जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे सर्चेज या कॉन्टेंट गैप्स को फिल्टर कर सकते हैं, फिर यहाँ से रीजन को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मैं आप इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये देखिए इंडिया में इस तरह के कीवर्ड सर्च हो रहे हैं। उसके बाद मेरी ऑडियंस क्या सर्च करती है YouTube पे, ये जानने के लिए मैं इस पे क्लिक करूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे काफी सारे कीवर्ड्स आ गए हैं, और जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं वो शायरी, इंस्टाग्राम रील्स, स्ट्रीट फूड, व्लॉग, फैक्ट्स, इन्हीं सब के बारे में सर्च करते हैं। तो इससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि मुझे किस तरह की वीडियोस अपने चैनल पे बनानी है, ताकि शुरुआत में ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखें, जिससे उसको एक बूस्ट मिलेगी और उसके वायरल होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। नाउ इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपको सेव करने का ऑप्शन मिलेगा, रिमूव करने का ऑप्शन मिलेगा, और रिपोर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद अगर यहाँ पे गो टू गूगल ट्रेंड्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आपको और भी डेटा मिल जाएगा, जैसे इसका इंटरेस्ट कैसे घटा या बढ़ा है, उसके अलावा किस रीजन या किस कंट्री में इस कीवर्ड को सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है, साथ में इसके कुछ रिलेटेड टॉपिक्स और रिलेटेड सर्चेस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप इनको भी यूज करके वीडियोस बना सकते हैं। नाउ गाइस, पर्सनली मुझे तो ये अपडेट बहुत अच्छा लगा, मैं काफी टाइम से इसका इंतजार कर रहा था। आपको ये अपडेट कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं।